आज की वीडियो में आप सब लोगों का वेलकम है। मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी कुछ एक हफ्ता पहले कि हाउ टू फोकस वाइल स्टडिंग और लिविंग अब्रॉड। सो उसके अंदर जो है मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट आया और उसी कमेंट के ऊपर जो है वो आज की वीडियो जो है वो हम करेंगे। मैं आंसर शेयर करने की कोशिश करूंगा। वो एक क्वेश्चन था, तो पहले क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन जो मुझे आया वो बेसिकली ये था कि काइंडली मेक अ वीडियो ऑन हाउ द जर्मन फेडरल इलेक्शंस 2021 would affect the international students as Angela Merkel retires next year. Which new education and visa policies can be expected? Alrighty, yeah. I like the question. अच्छा question आया है और मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ कि मैं इस पर अपना आप लोगों को analysis या अपना view, अपना perspective जो है ना वो इसको present कर सकूँ और आप लोगों को ओवरऑल पिक्चर जो है ना वो इसकी दिखाने की कोशिश कर सकूं। सबसे पहले तो डायरेक्टली क्वेश्चन के आंसर से पहले एक इसका ओवरव्यू देख लें कि इस वक्त जो है वो सिचुएशन है क्या। सबसे पहले तो ये कि 2021 में जो जर्मनी के फेडरल इलेक्शंस हैं अगस्त सितंबर के अंदर वो होने वाले हैं, ठीक है। और अभी जनवरी के अंदर जो CDU है, जो एंजेला मर्केल की जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो लोग अपना पार्टी कन्वेंशन करने लगे हैं और उन्होंने अपना नया जो पार्टी का लीडर है वो चूज़ करना है। और ऑफ कोर्स वो जो लीडर होगा वो फिर चांसलरशिप के लिए कैंडिडेट होगा। आप लोगों को पता है कि 16 इयर्स की चांसलरशिप के बाद अब एंजेला मर्केल जो है वो स्टेप डाउन कर रही है और अब नया लीडर जो है वो इलेक्ट होगा। तो तीन नाम जो है ना वो इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं जो पार्टी लीडरशिप के लिए इस वक्त रन कर रहे हैं, जिसमें से एक जो है उनका नाम है आर्मिन लाशेट, एक हैं नॉर्बर्ट रॉटकन और तीसरे हैं फ्रीडरिश मैट्स। अब जो रिसेंट पोल्स हुए हैं अभी तक के, उसके मुताबिक जो मैथ्स हैं, जो फ्रीडरिश मैथ्स हैं, वो सबसे ज़्यादा जो कमांडिंग पोजीशन में हैं वो जा रहे हैं, यानी कि जो पोल्स हैं वो उनके फेवर में जा रहे हैं कि वो जो है वो पार्टी के हेड बनेंगे और इवेंचुअली बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट ये ऑलरेडी कह रहे हैं कि दोबारा CDU ही गवर्नमेंट बनाएगी और उनका ही चांसलर जो है वो जर्मनी में आएगा। लेकिन खैर ये तो अभी एक हम अज्यूम कर रहे हैं कि एंजेला मर्केल को जो रिप्लेस करेगा वही जर्मनी का चांसलर होगा, ठीक है, पार्टी के अंदर। अब उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ये मैथ्स साहब हैं, फ्रीडरिश मैथ्स साहब जो हैं, ये एंजेला मर्केल के आर्क राइवल भी हैं। ये उनके जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनकी राइवलरी रही है पार्टी के अंदर, जिस तरह की होती है। और मर्केल ने इनको ही रिप्लेस किया था आज से कोई 17-18 साल पहले, 2003 या 2004 में। तो ये जर्मन मीडिया के अंदर एक दो स्टेटमेंट्स इनकी जो हैं मैथ्स की वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुई हैं। लेट्स अज्यूम कि अभी हम ये अज्यूम करें कि अगर ये पार्टी के हेड बन जाते हैं और फिर ये ही जर्मनी के चांसलर बन जाते हैं इस साल 2021 में सितंबर अक्टूबर में, तो इनकी जो दो स्टेटमेंट्स हाईलाइट हुई हैं उसका ताल्लुक काफ़ी ज़्यादा है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या जो इमिग्रेंट्स हैं या जो प्रोफेशनल्स भी हैं, हर किसी से, सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, हर किसी से। तो इन्होंने क्या कहा, एक इन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि जो जर्मनी का इमिग्रेशन सिस्टम है, ये जो इमिग्रेशन लॉ है, इसके ऊपर हमें जो है ना वो बात करने की ज़रूरत है और इसको थोड़ा बदलने की या चेंज करने की ज़रूरत है। ये इमिग्रेशन जो उन्होंने बात की है, ये स्पेशली उन्होंने रेफर किया जो अजाइलम इमिग्रेशन है जर्मनी की, क्योंकि जर्मनी आपको पता है कि वाइड कंट्री है दुनिया का जिसके बेसिक जो ग्रुंडगेसेट्स है, जर्मनी का बेसिक लॉ है, उसके अंदर ये मेंशन है कि जो पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन है जर्मनी जो है वो ऑफर करती है, बेसिक ह्यूमन राइट है कि कोई भी पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन होने के बाद जर्मनी में अजाइलम का राइट क्लेम कर सकता है। और हज़ारों लाखों लोग जर्मनी के अंदर जो है वो पॉलिटिकल असाइलम और असाइलम की दूसरी फॉर्म्स जो हैं वो अप्लाई करते भी हैं। तो ये जर्मनी ने इंट्रोड्यूस किया था बेसिकली, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर के बाद जो नाजी रिजीम के बाद जो उन्होंने हॉलोकास्ट में किया था, उसके बाद उसको कॉम्पनसेट करने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, हम ओपन हैं और हम जो हैं वो बियॉन्ड बॉर्डर्स और ये वो सब बॉर्डर खोले हैं, तो हम सबको जो है वो एक्सेप्ट करते हैं और इन्वाइट करना चाहते हैं, तो उसमें उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था। तो इसने ये कहा कि भाई इसके ऊपर नज़रसानी की जो है ना वो ज़रूरत है, क्योंकि, और ये क्यों कहा उन्होंने, और ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये फाइनेंशियल टाइम्स के अकॉर्डिंग, ये मैं आपको जो है वो कोट कर रहा हूँ, कि उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने कहा था कि यार मैथ्स ने ये कहा कि स्वीडन में ऑलमोस्ट कोई 85-90% जो असाइलम क्लेम्स है वो रिजेक्ट हो जाते हैं और जर्मनी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली कोई 55 या 60% के करीब जो हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उसने ये कहा कि यार अगर तो ये 5% हों असाइलम क्लेम्स जो कि रिजेक्ट होते हों तो चलो मानने वाली बात भी है, लेकिन अगर 50-60% असाइलम क्लेम्स रिजेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं जो असाइलम का सिस्टम है उसको बेसिकली वो
तोड़ोड़ मड़ोड़ के उसके अंदर लूप होल्स ढूंढ के उसको मिसयूज करके और उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करके जो अजालम अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जो अजालम के हकदार नहीं हुए हैं वो भी उसको मिसयूज करके आ रहे हैं, और जो कि इनके मुताबिक एक प्रॉब्लम है जर्मनी के अंदर। और साथ ही इनकी एक और स्टेटमेंट भी ये थी, जो भी सब इमिग्रेंट्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी रेलिवेंट है, कि उन्होंने कहा कि जो जर्मनी के इमिग्रेंट्स हैं, अब पता नहीं उन्होंने किस इमिग्रेंट का, क्योंकि मैंने एक और वीडियो में भी आपको बताया था कि इमिग्रेंट्स की बहुत सारी टाइप्स है, वो जो जर्मनी का लार्जर जो मेन कल्चर है उससे उनको ज़्यादा कन्फर्म करना होगा, या उनको ज़्यादा कन्फर्म करने की ज़रूरत है, ज़्यादा उनको उसको समझ लें कि अडाप्ट करने की ज़रूरत है। ये भी इनकी एक स्टेटमेंट थी जो मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट की, और इस पर बड़ा क्रिटिसिज्म भी आया, और लोगों ने कहा कि वो ऑलरेडी हैं इंटीग्रेटेड, कुछ ने कहा कि नहीं ये नहीं कहना चाहिए, व्हाटएवर। लेकिन ये दो स्टेटमेंट्स जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इनकी फेमस हैं, जिससे हम इस क्वेश्चन का आंसर कि स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट्स के ऊपर या प्रोफेशनल जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर, या वीज़ा पॉलिसी के ऊपर, या एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है यार, उसमें अब आप ये देखें इन जनरल कि एक मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि अगर जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, अब मैंने ये आपको बताया था, एक मैंने वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर के, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जर्मनी आते हैं उनमें से 40-45% आई थिंक के करीब वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, यानी कि वो पढ़ाई अपनी कंप्लीट नहीं करते। तो अब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें कि अगर ये चांसलर बन जाते हैं और इनका कोई एजुकेशन एडवाइज़र या पॉलिटिकल एडवाइज़र वटेवर इनको ये कहता है कि यार ये, और मैंने आपको रीजंस भी बताई थी कि क्यों वो ड्रॉप आउट होते हैं, उसमें बहुत सारे रीजंस थी, सोशल आइसोलेशन, लैंग्वेज का ना आना, एजुकेशन सिस्टम का ना पता होना, इंटीग्रेट ना होना, वटेवर, ये सारी रीजन उसमें आप देख सकते हैं उस वीडियो में। तो अगर इनका कोई एडवाइज़र इनको ये कह दे कि यार ये लोग इसलिए ड्रॉप आउट होते हैं क्योंकि ये इंग्लिश कोर्सेज में तो पढ़ने आ रहे होते हैं लेकिन इन्होंने ऑलरेडी पहले से कोई इनका जर्मन का नॉलेज नहीं होता, कोई इनकी जो है वो कंट्री के बारे में नो हाउ नहीं होती, तो आप ऐसा करें कि वीज़ा की पॉलिसीज़ में ये भी शामिल कर दें, ये वीज़ा की रिक्वायरमेंट में डाल दें कि अगर इंग्लिश में भी पढ़ने आ रहे हैं तो आप B1 करके आएँ, या जर्मनी का जो बेसिक, जो जब भी आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक सिटीजनशिप टेस्ट देना होता है जिसमें बेसिक लॉ और ये वो मुल्क के बारे में बेसिक चीज़ें होती हैं, ये भी आप मैंडेटरी कर दें। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं एक स्पेकुलेशन कर रहा हूँ, क्या पता कोई इस एक्सटेंट तक भी जा सकता है, लेकिन शायद प्रॉब्लम ये हो नहीं, लेकिन एज्यूम करें कि शायद ये भी हो सकता है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें, क्या पता अगर वो पावर में आ जाएं तो ये भी एक्सपेक्ट की जा सकती हैं, लेकिन ऑल दो केस की कोई लाइकलीहुड बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं जस्ट एक स्पेकुलेशन कर रहा हूँ। मगर इसका एक दूसरा जो एक पॉजिटिव साइड है आप लोगों के लिए, जो स्पेशली प्रोफेशनल्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं जो जर्मनी में आना चाहते हैं, उनके लिए एक पॉजिटिव साइड भी है, और पॉजिटिव साइड यार ये है कि जर्मनी में इस वक्त 4-4.5 लाख के करीब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो जर्मनी की ज़रूरत हैं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ये सारे पोटेंशियल फ्यूचर टैक्स पेयर्स हैं, तो सारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जर्मनी की उनको ज़रूरत है, क्योंकि उनको वो लोग चाहिए जो यहाँ पे काम करें और सिस्टम के अंदर कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि जर्मनी की पॉपुलेशन जो है वो एल्डरली जो पॉपुलेशन है, जो अब काम नहीं कर रही, जो अब रिटायरमेंट में है, जिनको अब बेनिफिट्स मिल रहे हैं गवर्नमेंट से, पेंशन वगैरह, उनके लिए, उनको रन करने के लिए, और जो यंगर पॉपुलेशन जो डिक्रीज हो रही है, जो डेमोग्राफिक चेंज मैंने और वीडियोज़ में शेयर भी किया था, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, और जो इंडस्ट्रीज है उसको रन करने के लिए हाईली स्किल्ड जो इमिग्रेंट्स हैं वो उनको चाहिए। तो जो एक स्टूडेंट है वो उनके लिए आइडियल होता है इस हिसाब से, और इसीलिए वो इतने ओपन और वेलकमिंग भी हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको अपने सिस्टम में टैक्स जो है वो डालना है, तो टैक्स डालने के लिए स्टूडेंट से अच्छा और क्या ऑप्शन है, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ाई खत्म करेगा तो उसने जॉब तो करनी ही करनी है, और अगर वो 4-5 साल बाद या 10 साल बाद जॉब करके वापस भी चला जाता है तब भी उतनी देर में कितने और स्टूडेंट्स की खेप जो है वो तैयार हो जाती है, जो आते हैं और सिस्टम के अंदर चले जाते हैं और जॉब्स करते हैं और टैक्स देते हैं। तो ये मैंने एक वीडियो और भी बनाई थी लास्ट ईयर, वो भी आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने ये बताया था कि जर्मनी की 40 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं तकरीबन वो श्रिंक कर रही हैं इंटरनल डेमोग्राफिक चेंज की वजह से, क्योंकि वहाँ पे उन यूनिवर्सिटीज़ में उनके पास लैक ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनके पास स्टूडेंट्स ही कम हैं, क्योंकि वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी होती है उसको रन करने के लिए उसको ग्रांट्स चाहिए होती हैं, तो वो गवर्नमेंट से ग्रांट्स मांगती है एक खास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर उनके पास एनरोल्ड हों तब। अब अगर उनके पास वो एनरोलमेंट रेट ही नहीं है तो वो ग्रांट ही मांगेंगी, तो वो यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी, तो इसलिए वो अपने एडमिशन क्राइटेरिया भी और ज़्यादा आसान कर देती हैं, जिसके वजह से और ज़्यादा स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं। ठीक है,
तो अब पता नहीं जो नया चांसलर है, क्या पता वो इस चीज़ को भी देखे कि यार ये जो श्रिंकिंग है इसको कैसे रोका जाए, इसको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही फिल कर सकते हैं या इसको अंदर से ही हम कोई पैकेज निकाल के इनको स्टेबल करें। बहुत सारी डायरेक्शंस में जो है ना वो जा सकते हैं। जाने को तो जो चांसलर है उसके पास बहुत पावर होती है, वो कुछ भी कर सकता है, मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये इस साइड पर जा सकता है। लेकिन इवेंचुअली जो स्किल्ड वर्कर हैं, जो ब्लू कार्ड पे यहाँ आते हैं या जो डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई करके आ रहे हैं जॉब सीकर वीज़ा पे और यहाँ जॉब ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ाई करके यहाँ पे जॉब ढूंढते हैं, उनके लिए मैं ये बता दूं कि इन लोगों की जर्मनी को ज़रूरत है। चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहे कि भाई हम राइट विंग हैं, हम नहीं मानते ये वो, अव्वल तो ये कि कोई राइट विंग पावर में आने वाली नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जो पॉलिटिकल पार्टी ये कहे भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इसलिए क्योंकि ये सबको पता है और हर चांसलर को भी इस बात का पता है, तो वो रूल्स हल्के फुल्के चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों के बगैर उनका गुजारा हो नहीं सकता। जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्टूडेंट्स जो हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स जो हैं, ये इनके लिए गोल्ड माइन है। सो दे बेसिकली नीड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, हाईली क्वालिफाइड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इमिग्रेंट्स एंड प्रोफेशनल वर्कर्स हु आर कमिंग टू जर्मनी। सो इसलिए मैं इसमें यही स्पेकुलेट करूंगा कि अगर ये बन भी जाता है चांसलर, लेट्स से, या इनमें से कोई भी बन जाता है, अच्छा इसमें से एक जो है वो तो मर्केल के बहुत ही करीब है, जो आर्मिन लाशर है, तो वो तो पॉलिसीज एग्जैक्टली वही होंगी जो मर्केल की होंगी। ये जो है मैथ्स, इसकी मर्केल से जो है वो राइवलरी भी है और इसके डिफरेंट जो है वो आइडियाज़ होंगे, ऑल्दो एक ही पार्टी की है। अगर इनमें से कोई भी बन जाता है तब भी जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए उनकी वैल्यू वैसे ही रहेगी, लेकिन शायद जो क्रैकडाउन हो सकता है वो इमिग्रेशन की जो अजाइलम वाली साइड है उसके ऊपर होगा। तो इसमें मैं आप लोगों को यही कहूँगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं उनको कोई एज सच डिसअपॉइंट या डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है इलेक्शन से, मगर देखते हैं। देखें यार, अभी कुछ भी हो सकता है इलेक्शन में, कोई हर रोज़ कोई नई इवेंट्स होते हैं, कोई कुछ भी हो सकता है और शिफ्ट जो है वो चेंज भी हो सकती है। क्या पता CDU का बने ही ना चांसलर, क्या पता किसी और पार्टी का बन जाए, लेकिन इन जनरल अभी तक सब यही प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि CDU का ही चांसलर बनेगा और उनमें भी यही है, लेकिन हमेशा से सेटबैक जो है वो भी होते रहते हैं। खैर, ये जब इलेक्शंस हो जाएंगे और जब चांसलर अपॉइंट हो जाएगा तो फिर और ज़्यादा क्लियर होगा कि इनकी एजुकेशन पॉलिसी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से क्या है, और ये इमिग्रेशन के ऊपर जो स्टेटमेंट्स देते हैं शायद वो और ज़्यादा क्लियर होके आए। तो प्रॉब्ली आई थिंक लेट्स गिव हिम बेनिफिट ऑफ डाउट, लेट्स गिव मैथ्स अ बेनिफिट ऑफ डाउट एट द मोमेंट, क्योंकि अभी तो बहुत ही प्री मेच्योर स्टेज है और आगे जाके देखेंगे कि हाउ इट टर्न्स आउट टू बी। एंड आई थिंक ऑल थ्री कैंडिडेट्स, I would say like they would of course try to utilize the international students and the international workforce. तीनों ही जो हैं वो उनके लिए जो है वो favorable policies ही बनाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है, जो मेरा आप इसको analysis कह लें या answer कह लें कि क्या होगा Angela Merkel के चले जाने के बाद। लेकिन probably शायद अच्छा यही हो कि जो इन तीनों party leaders जो potential हैं, इनमें से जो Merkel के जो ज़्यादा करीब है, अगर वो ही आ जाए पावर में तो प्रॉब्ली शायद ये बेनिफिट हो सके। बाकी यार ये कि जो ये जो लोकल एम्बेसीज होती हैं, जो जर्मनी के काउंसलर्स या एम्बेसीज दूसरे मुल्कों में होती हैं, इस लेवल तक की जाके पॉलिसी चांसलर प्रॉब्ली शायद इस पर उतना इम्पैक्ट ना करे कि वीज़ा में देर क्यों लग रही है या वीज़ा अपॉइंटमेंट्स क्यों नहीं मिल रही है, उन्होंने आउटसोर्सिंग क्यों की हुई है। अगर आप लार्ज स्केल पर देखें तो वो उसको फेवर ही करेंगे, और ये तो जो प्रॉब्लम्स हैं ये तो ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स हैं। तो इसमें क्या रीज़न हो सकती है कि वो सिलेक्टिव लोगों को वीज़ा देंगे, ये जिनकी परसेंटेज अच्छी है उनको देंगे, या वो क्योंकि देखिए जैसे मैंने पहले बताया लास्ट वीडियो में, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है दुनिया में लोगों का, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का भी और प्रोफेशनल्स का भी जो जर्मनी आना चाहते हैं, कि इनके पास चॉइस बहुत ज़्यादा है। इसलिए I don't think so के all in all to summarize it के जो आप लोग हैं, जो students हैं, prospective students हैं या professionals हैं, उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा impact आने वाला है। जैसे मैंने बताया कि ये इस आप लोग जो हैं वो इनकी ज़रूरत है जर्मनी की, तो वो आप लोगों को जो है वो वेलकम करेंगे ही करेंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं कि अब जब भी इलेक्शंस होते हैं तो क्या सिचुएशन बनती है। अगर आप लोगों के इस टॉपिक से या जर्मनी के अंदर कोई भी और टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ अपने कमेंट्स शेयर करूं, तो आप लोग वो ज़रूर जो हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखें, और मुझे ये भी फीडबैक देके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, या आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी या इन्फॉर्मेटिव थी। और अगर आपको पसंद आई है तो इसको एक थम्सअप जो है वो ज़रूर दीजिएगा। एंड मैं यही कहूँगा कि ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।